मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी न्यूज सर्विस। आज हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एनआरसी है क्या, एनआरसी असम में ही क्यों लागू किया गया, एनआरसी कब बना, सुप्रीम कोर्ट को एनआरसी में दखल क्यों देना पड़ा। सबसे पहले हम आपको बताएं एनआरसी है क्या। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन 1951 में जब जनगणना शुरू की गई थी उसके दौरान इसको बनाया गया था। इस मसौदे को बनाने के पीछे सिर्फ सरकार की यही मंशा थी कि हमारे देश में जितने भी मतदाता हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबका एक मजबूत डेटाबेस तैयार हो। लेकिन सरकार की लचर व्यवस्था के कारण इस मसौदे को अंतिम चरण तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट का भी दखल आता रहा लेकिन सरकारों के कान पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। अंतिम में 2015 से 2016 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि एनआरसी का जो भी काम होगा अब वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा। दरअसल हम आपको ये बता दें कि एनआरसी असम में सबसे पहले क्यों लागू किया गया। एनआरसी उन राज्यों में लागू किया जाता है जहां विदेशी घुसपैठ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब असम बांग्लादेश की सीमा से है और बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, जिसकी वजह से सबसे पहले असम में ही इसको लागू किया गया। और 1985 के दौरान राजीव गांधी का असम समझौता भी हुआ था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी 2016 के ही बयान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1971 के पहले के जितने नागरिक हैं वो सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, उसके बाद के जो नागरिक हैं उनके लिए अपने डेटा अपने कागजात को लाकर प्रस्तुत करना पड़ेगा। एनआरसी के दौरान जितने नागरिकों ने अपने कागजात पेश किए उसमें से लगभग 2,89,00,000 के आसपास जो वहाँ पर पेश किए गए थे उनमें से लगभग 3 करोड़ कुछ लाख पेश किए गए थे, लेकिन 40,00,000 ऐसी संख्या आई है जो संदिग्ध हालात में पाए गए हैं। संदिग्ध हालात में कहना इसलिए है क्योंकि उनके पास कागजात सही नहीं है, इसलिए उन 40,00,000 को अब राजनीति के दायरे में पूरी तरीके से घसीटा जा रहा है। कई पार्टियां कह रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी इनको बाहर भगाना चाहती है, कई पार्टियां कह रही है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जबकि कई मुद्दे और कई मामले या कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि वर्तमान में वहाँ के जो विधायक हैं उनका भी नाम नहीं है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का भी नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कमियां हैं इसमें, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनके नाम तो नहीं है लेकिन भारतीय कोर्ट में उनके केस भी चल रहे हैं। सारी चीज़ों को जब एक यथावत स्थिति में एक समेकित रूप में लाया जाएगा उसके बाद ही ये मसौदा अच्छी तरीके से लागू हो पाएगा। हालांकि अभी इनके पास एक मौका है, लगभग 1 महीने का समय है, उसमें ये अपने कागजात पेश करें और पेश करने के बाद अंतिम रूप में इसका ड्राफ्ट 10 दिसंबर के आसपास या 8 या 10 दिसंबर के आसपास इसको लागू किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि कौन यहाँ पे रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे, और सवाल ये भी है कि जो नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने देश में शरण नहीं देंगे। तो अब सवाल या निशान ये भी खड़ा होता है कि पूरे देश में भी अगर वो घुसपैठिए हैं तो जाहिर सी बात है वो पूरे देश में होंगे, अब उनको कैसे निकाला जाएगा, उनकी पहचान कैसे की जाएगी। और ये मामला सिर्फ बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नहीं है, ये मामला उन अलग देशों से आए हुए भी है, जैसे पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, नेपाल हो गए, इन देशों से भी जो आके भारत में रह रहे हैं घुसपैठ के तौर पर, उनका क्या किया जाएगा। अब जब ये अंतिम रूप से लागू करने के दौर में आएगा तब सरकार के ऊपर ये समस्या सबसे बड़ी होगी, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इसका वो विकल्प कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम एनआरसी के बारे में जो भी अपडेट आएगी हम आपको और बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।